द क्लेवर गोट, चतुर बकरी। वन डे अ शेफर्ड टुक हिज गोट्स टू द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग। एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों को वन में चराने के लिए ले गया। वन गोट लॉस्ट हिज वे एंड वेंट फार अवे फ्रॉम हर्ड। एक बकरी राह भटक पर अपने ही झुंड से दूर हो गई। सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज ऑल अलोन। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह एकदम अकेली है। लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स ही वेंट डीपर इन टू द फॉरेस्ट। अपने साथियों को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए वह घने जंगल के भीतर चली गई। इट बिगेन टू ग्रो डार्क बट द गॉड डिड नॉट नो हाउ टू गेट बैक टू हिज फ्रेंड्स। अंधेरा होने लगा परंतु बकरी को पता नहीं चला कि अपनी दूसरी बकरियों से कैसे जा करके मिले। He looked around for a place to spend the night safely। वह आसपास रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगी। Then he found a cave, went inside to sleep। तब उसे एक गुफा मिली और भीतर सोने के लिए चली गई। Actually, the cave belonged to a lion। He came there a little later and looked inside। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। वह कुछ देर बाद आया और भीतर देखा। In the darkness, he could see only the glittering eyes of the goat। The lion was scared and did not know what to do। अंधेरे में केवल बकरी की दमकती आंखें देख पाया। शेर भयभीत हो गया और समझा नहीं कि वह क्या करे। He sat outside the cave। The goat also saw the lion। वह बाहर ही बैठ गया। बकरी ने भी शेर को देख लिया। He trembled with fear, thinking that lion would kill him any moment। He sat in a corner of the cave and thought of the plan to escape। वह यह सोचकर डर के मारे कांप गई कि किसी भी क्षण शेर उसे मार डालेगा। उसने गुफा के एक कोने में बैठकर बच निकलने का एक उपाय सोचा। अर्ली इन द मॉर्निंग द गोट केम आउट ऑफ द केव एंड आस्क्ड द लायन सीरियसली, हू आर यू। सुबह सुबह बकरी गुफा से बाहर आकर शेर से गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो। द लायन आंसर्ड विथ सम फियर, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हू आर यू। शेर थोड़ा डरते हुए उत्तर दिया, अरे भाई मैं जंगल का राजा हूं, तुम कौन हो। डोंट यू नो अबाउट मी, सेड द गोट, आई हैव ऑलरेडी किल्ड 99 लायन। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते, बकरी ने कहा, मैं अभी तक 99 शेरों को मार चुका हूं। आई हैव टेकन अ वॉव दैट आई विल नॉट शेव माई बियर्ड अंटिल आई हैव किल्ड 100 लायंस। मैंने प्रण लिया है कि अपनी दाढ़ी तभी काटूंगा जब मैं 100 शेर को मारूंगा। यू आर माई 100 विक्टिम, I shall kill you and then save my beard। तुम मेरे 100वें शिकार हो, मैं तुम्हें मार कर अपनी दाढ़ी कटवाऊंगा। Saying this, he pretended to pounce on the lion। कह करके उस शेर पर झपटने का नाटक किया। The lion was frightened and he ran away from there। The goat came out happily and went back to his friends। शेर डर के मारे वहां से भाग गया। बकरी खुश होकर के वहां से चली गई और अपने साथी बकरियों में जाकर के मिल गई।